हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल विच। अज असीं जिस मुद्दे उत्ते गल करन जा रहे हैं वह मुद्दा है सरकार वल्लों किसानां नाल कीते जा रहे धक्केशाही दा। मैं कल्ले पंजाब दे किसानां दी गल नहीं कर रहा, मैं गल कर रहा पूरे हिंदुस्तान दे किसानां दी। यही किसान भारत विच रह रहे 138 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। हुण सरकार ही इन्हां किसानां दे पेट उपर लत्त मारन की तैयारी विच है। सरकार ने यही कानून 2006 विच बिहार विच पास कीता सी, जो पूरी तरह ना असफल रहा। उत्थों दे किसानां नूं अपनियां फसलां दा सही मुल ना मिलण कारण होर सूबियां विच जाके दिहाड़ी दबके दा कम करना पिया। जदों पंजाब विच मंडी बोर्ड खत्म हो जाएगा अते होर नवीं प्राइवेट कंपनियां किसानां दीआं फसलां नूं खरीदणगीआं, उन्हां उपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहलां इह टैक्स 6% सी, जिस नाल पंजाब सरकार नूं 3000 करोड़ रुपए की आमदन हुंदी सी। इसे आमदन नाल सरकार पंजाब दे पिंडां विच ग्रांटां दिंदी सी, सड़कां दा निर्माण करवाउंदी सी, होर सरकारी अदारे जिवें स्कूल कॉलेज होर कोई सरकारी बिल्डिंग उहदी मरम्मत करवाउंदी सी। तीसरे बिल मुताबक किसान अते किसी वड्डी कंपनी जां वड्डे व्यापारी नाल इक एग्रीमेंट साइन होवेगा, जिस मुताबक किसान दी फसल बीजे जाण तों पहलां ही उसका मुल तय हो जाएगा। पर इसका किसान नूं फायदा घट नुकसान वध होवेगा। वो इस तरह जेकर किसान दी फसल बढ़िया हुंदी है, उसका झाड़ बढ़िया निकलता है, तां उसने जिस रेट विच एग्रीमेंट साइन किया है उसनू ओही रेट ते वो फसल बेचनी पवेगी। पर जेकर उसकी फसल का झाड़ घट हुंदा है तां वो कंपनियां किसानां नू गुमराह करके उन्हां नू ये कह सकदियां हन भी साढ़े कोल पैसा नहीं है, थोड़ी फसल बढ़िया नहीं हुई, असीं थोड़ी फसल नहीं खरीद सकते। तां ये एग्रीमेंट दे अनुसार किसान उन्हां कंपनियां जां व्यापारियों उत्ते केस भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ SDM तक जाके अपनी दरखास्त दे सकता है। लास्ट विच मैं यही गल कहना चाहवांगा, इंडिया नू जिन्ना मर्जी डिजिटल कर लवो पर रोटी कदे भी इंटरनेट तो डाउनलोड नहीं होवेगी। ये अपने तक किसानां दी मेहनत नाले पहुंच सकती है।